एक टाइम हुआ करता था जब 10,000 से नीचे के बजट में हम सिर्फ 21 इंच मॉनिटर्स की बात किया करते थे क्योंकि कुछ और अवेलेबल नहीं हो पाता था। लेकिन आज मैं आपको 10,000 के नीचे 27 इंच के भी मॉनिटर बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया 144 हर्ट्ज के भी मॉनिटर बताऊंगा। और साथ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि 40 मॉनिटर्स की लिस्ट हमने शुरू करी थी 10,000 के नीचे के बजट में, उसमें से हमने 3-4 ही छाटे। कोई अपना 27 इंच में बढ़िया है, कोई मॉनिटर 144 हर्ट्ज का बढ़िया है, एक आध मॉनिटर में आपको स्टैंड भी अच्छा जाता है। और 60 हर्ट्ज वाले तो बिल्कुल दरकिनार कर दिए, 27 इंच 144 हर्ट्ज वाले वही चूज किए। और इसका एक मेन क्राइटेरिया ये भी है कि 75 हर्ट्ज भी होना चाहिए मॉनिटर, उससे कम नहीं होना चाहिए, 60 पे काम नहीं चलेगा। और अगर आपको लग रहा हो ना कि 60 और 75 में इतना अंतर ही क्या है हर्ट्ज में, आप ये समझो 60 हर्ट्ज से आप 75 हर्ट्ज के मॉनिटर पे जाते हो तो नंबर में अगर आप देखोगे तो 25% का आपको इंक्रीज मिल रहा है। तो क्यों ना चूज करें 60 हर्ट्ज के मॉनिटर के ऊपर 75 हर्ट्ज का मॉनिटर। तो शुरुआत करते हैं सबसे सस्ते मॉनिटर से। 8,500 के रेट पे दो मॉनिटर्स चूज किए थे मैंने और दोनों ही एसर के थे, दोनों ही 24 इंच के हैं, 75 हर्ट्ज के मॉनिटर हैं, लेकिन एक वीए पैनल के साथ आता है और एक आईपीएस पैनल के साथ आता है। तो मैंने जो चूज किया है वो आईपीएस पैनल के साथ चूज किया है। और दूसरी उसकी एक अच्छी बात ये है कि वो कर्व्ड नहीं है। इतने छोटे मॉनिटर्स में कर्व्ड की कोई जरूरत नहीं होती है। आप अल्ट्रा वाइड सुपर अल्ट्रा वाइड ले रहे हो तो वहां कर्व्ड समझ में आता है, वरना नॉर्मल 16:9 मैं तो ये तक कहता हूं कि 32 इंच तक के जो मॉनिटर्स होते हैं आप फ्लैट मॉनिटर ही लो, उसमें ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। दोनों ही 24 इंच के हैं लेकिन एक आईपीएस है, उसको हमने चूज किया है। जहां पर भी मॉनिटर्स की बात आएगी पहली प्रेफरेंस मेरी आईपीएस होगी, फिर वीए पैनल होगी और फिर टीएन पैनल होगी। लेकिन मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता है कि आप आईपीएस से टीएन पे चले जाओ तो आपको उल्टी आने लगेगी, बहुत गंदा कलर रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी प्रेफर किया जाता है कि टीएन के ऊपर वीए ले लो, वीए के ऊपर आईपीएस ले लो। इसका एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। आप देख रहे होंगे इस समय मार्केट में जो है 55 इंच के जो टीवी होते हैं ये बड़े सस्ते सस्ते मिलने लगे। एक टाइम हुआ करता था ये 80,000 के 1,00,000 के मिला करते थे, और आज भी सैमसंग सोनी जो है ना बहुत महंगा बेचते हैं। उनका कलर रिप्रोडक्शन अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात वही आती है, मुझे एक बड़ी स्क्रीन चाहिए थी, बड़ी स्क्रीन मिल गई। चाहे उसका कलर रिप्रोडक्शन उतना अच्छा ना हो जितना QLED और OLED जैसे टीवीज का हो, तो एसर का जो मॉडल है जिसका नाम है V24 7Y, ये आप प्रेफर कीजिए। आईपीएस भी हो गया, 24 इंच का भी हो गया, 8,500 के रेट में आ रहा है। इतने रेट में हम एक टाइम पे 21 इंच का आईपीएस मॉनिटर ही बताया करते थे जो LG का हम बताया करते थे। अब जो दूसरा मॉनिटर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्योर गेमिंग मॉनिटर है। देखो गेमिंग मॉनिटर आजकल जो है वो सब पे ही चिपका देते हैं, जिस प्रोडक्ट पे भी गेमिंग चिपक जाता है तो उसकी बिल्ले बिल्ले हो जाती है, वो ज्यादा बिकने लगता है। अब मदरबोर्ड पे भी लोग गेमिंग चिपका देते हैं, मदरबोर्ड कैसे गेमिंग होता है वो आप डिसाइड कर लो, अब जबरदस्ती उस पे गेमिंग का लेबल चिपकाना ही है तो मदरबोर्ड को भी अब लोग गेमिंग कर देते हैं। ग्राफिक कार्ड होता है लेकिन अब वो गेमिंग ग्राफिक कार्ड होने लगे हैं। जो नॉन गेमिंग लिखे हुए आते हैं तो वो क्या ग्राफिक कार्ड नहीं होते, वो गेमिंग नहीं करवाते हैं। तो गेमिंग जहाँ लग जाता है तो वहाँ फायदे हो जाते हैं। इसी तरीके से जो ओरिजिनल ब्रांडिंग है वो 144 हर्ट्ज के मॉनिटर को अगर आप गेमिंग मॉनिटर कहते हो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप 75 हर्ट्ज वाले 60 हर्ट्ज वालों को भी गेमिंग कह देते हो तो ठीक है, बस बिकेगा वो ज्यादा। लेकिन हम प्योर गेमिंग मॉनिटर की बात कर रहे हैं, 144 हर्ट्ज का टीएन पैनल आएगा, नॉर्मल सी बात है, आपको पैसे भी कम रखने हैं, 144 हर्ट्ज चाहिए और 21 इंच में नहीं आना चाहते हो आप, 24 इंच पे ही रहना चाहते हो, तो डेल का गेमिंग मॉनिटर जो है 24 इंच का 144 हर्ट्ज टीएन पैनल वाला ये बहुत अच्छा है। इसका एक कंपटीशन है, एलजी वाला एक मॉनिटर इससे कंपटीशन देता है, लेकिन वो इससे क्यों हार जाता है मैं आपको ये बताता हूँ। दोनों ही टीएन पैनल है, दोनों ही 144 हर्ट्ज है, दोनों ही 24 इंच है। एक तो डेल वाले गेमिंग मॉनिटर की ब्राइटनेस आपको ज्यादा मिलेगी, एलजी वाले की 300 निट्स है ब्राइटनेस और जो डेल वाला है उसकी 350 है, थोड़ा सा भी आपको इंक्रीज मिल रहा है ब्राइटनेस में, एक अच्छी चीज है। और खासकर कंसीडर करनी चाहिए अगर आपके कमरे इतने जगमगाते हुए हैं कि रोशनी बहुत ज्यादा आती है तो वहां पर ब्राइटनेस का बहुत ख्याल रखो, 350 वाला प्रेफर करो बजाय 250 निट्स वाले ब्राइटनेस वाले मॉनिटर के। लेकिन अगर 250 निट्स वाला मॉनिटर भी आ जाता है तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो गया, दिखेगा उसमें भी लेकिन थोड़ा मजा कम आएगा। मजा कैसे कम हो जाएगा, मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो उसमें डार्क सीन ज्यादा है तो आपको ढंग से दिखाई नहीं देंगे अगर आप उस कमरे में बैठे हो जिसमें बहुत ज्यादा रोशनी होती है। तो ये 300 निट्स के ऊपर जो 350 मिल गए आपको डेल के मॉनिटर में एक अच्छी चीज है। दूसरा, डेल वाला मॉनिटर एलजी वाले मॉनिटर से सस्ता भी है, और जो सबसे बड़ा इसका मेन पॉइंट है, बाकी सब तो ठीक है हो गया, जितना मुझे बताना था बता दिया, एक जो नजरअंदाज कर देते हैं सारे लोग बताने में वो सिर्फ स्पेक्स पढ़ते हैं मॉनिटर के और कहानी खत्म करते हैं, आगे बढ़ो ये अच्छा वो बुरा। एक जरूर आपको एक चीज देखनी चाहिए, वैसे 10,000 के नीचे ही मिलता नहीं है स्टैंड, अच्छे नहीं मिलते हैं आपको 10,000 के नीचे, मैं वही वाली बात कह रहा हूं, आपको स्टैंड मिलते हैं कि ऊपर नीचे कर लो ऐसे ऐसे करके, हाइट एडजस्टेबिलिटी नहीं होगी।
पाएगी। लेकिन ये जो डेल का गेमिंग मॉनिटर है इसमें आपको हाइट एडजस्टेबिलिटी भी मिलती है, इसका लुक एक्चुअली में एक अच्छे गेमिंग मॉनिटर जैसा है। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ये आपको हाइट एडजस्टेबल स्टैंड मिलता है। ये जो डेल का मॉनिटर है मैं आपको बता चुका हूँ 9000 में अवेलेबल है, और LG वाला 10000 में अवेलेबल है। 1000 रुपए का डिफरेंस है, 500 रुपए का डिफरेंस नहीं है। मुझे दिमाग में आ रहा था कि शायद 500 रुपए का डिफरेंस है। और अब मैं बात करूंगा सबसे फेवरेट मॉनिटर का जो मेरे लिए, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं 10000 का बजट आपके नीचे है तो आपका पीसी भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, उसमें R7 और i7 जैसे प्रोसेसर्स नहीं लगे होंगे तो आपके फ्रेम रेट निकलने में दिक्कत होगी। तो 144 हर्ट्ज का आप ले तो सकते हो, पैसे नहीं थे इसीलिए आप 10000 के नीचे कुछ ले रहे हो तो आप 144 हर्ट्ज का ले भी सकते हो, लेकिन क्या आपका पीसी इतना ताकतवर है कि 140 FPS निकाल दे गेम में और क्वालिटी भी खराब ना हो। सीपीयू की बात ज्यादा है, जीपीयू की एक बार को थोड़ी कम है कि क्वालिटी कम कर ली, लेकिन सीपीयू अगर बॉटलनेक करेगा तो FPS आपके निकल ही नहीं पाएंगे, ये बात तो सभी जानते हैं। तो अंडर 10000 का अगर आपका बजट है, यानी कि पीसी आपका ठीक ठाक मिड रेंज या उससे नीचे वाला है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया मॉनिटर रहेगा जो बड़े से बड़ा आप ले सकते हो अंडर 10000 के बजट में। बड़े से बड़ा साइज अंडर 10000 में 27 इंच का आपको मिल जाता है। मार्क्यू नॉम का मॉनिटर जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत अच्छा है। 27 इंच का VA पैनल है, फुल HD मॉनिटर है। फुल HD मेरी बात इस पूरे वीडियो में पहली बार मेरे मुंह से निकला है, तो ये भी आप कंसीडर कर लो कि ये भी एक क्राइटेरिया था कि फुल HD मिल जावे। कम से कम ऐसा ना हो कि 720p वगैरह वाले मॉनिटर की बात करनी पड़े, ना फुल HD की बात हो रही है, फुल HD मॉनिटर ही इसमें अवेलेबल है। 280 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिलती है, थोड़ी सी कम है लेकिन ठीक है, VA पैनल के हिसाब से ठीक है। 5 मिलीसेकंड का आपको रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है, और ऑब्वियसली ये तो मैं कह चुका हूं कि ये 75 हर्ट्ज का मॉनिटर है। ये काफी पॉपुलर है, अच्छा मॉनिटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका एक कंपटीशन है और तगड़ा कंपटीशन है, एक ज़ेब्रोनिक्स का मॉनिटर आता है। लोग इन दो मॉनिटर्स में काफी कंफ्यूज हैं, मार्क्यू 27 इंच वाले में और ज़ेब्रोनिक्स के 27 इंच वाले में। जो ज़ेब्रोनिक्स वाला मैं आपको कंपटीशन में बता रहा हूं मार्क्यू के, उसके साथ थोड़े से लफड़े हैं, ठीक मॉनिटर है लेकिन थोड़े से लफड़े क्या है मैं आपको बताऊं ज़ेब्रोनिक्स वाले के साथ। ज़ेब्रोनिक्स वाले मॉनिटर को लेके उसके रिस्पॉन्स टाइम को लेके थोड़ा सा डाउट है। Amazon के पेज पे लिखा हुआ 12 मिलीसेकंड, और ज़ेब्रोनिक्स की आप वेबसाइट पे जाओ इसी मॉनिटर की सेम मॉडल के साथ जाओ तो आपको दिखेगा 5 मिलीसेकंड। और जो सबसे बड़ा लफड़ा है वो ये है ज़ेब्रोनिक्स के मॉनिटर के साथ कि इसके रिव्यूज थोड़े से ज्यादा खराब हैं, मतलब लोग उतने खुश नहीं है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा बुरा मॉनिटर नहीं है क्योंकि काफी लोग खुश भी हैं। और ज़ेब्रोनिक्स वाला मॉनिटर जो है अगर मार्क्यू से हम इसका कंपटीशन करवा रहे हैं तो देखने में सुंदर भी ज्यादा लगता है, स्टैंड वगैरह मॉनिटर देखने में व्हाइट कलर का ज्यादा सुंदर लगता है ज़ेब्रोनिक्स वाला। अगर आपका व्हाइट थीम पीसी है, व्हाइट टेबल्स हैं, व्हाइट कमरे हैं तो उसके लिए मॉनिटर बहुत ही प्यारा दिखेगा। अब आप कहोगे आईजी कंफ्यूज कर रहे हो, ये मार्क्यू या ज़ेब्रोनिक्स में से कौन सा अच्छा है, एक का नाम बता दो। मैं तो अब आपको प्रेफर करवाऊंगा कि आप मार्क्यू वाला ले लो, गारंटी वाली बात है, और स्पेक्स पे ही ध्यान दो। आपके 75 हर्ट्ज मिल गए, 27 इंच मिल गए, VA पैनल है। दूसरा ज़ेब्रोनिक्स वाले में एक छोटा सा लफड़ा ये भी है कि मार्क्यू वाला है वो 280 निट्स की ब्राइटनेस देता है और ज़ेब्रोनिक्स वाला 250 निट्स की ब्राइटनेस देता है। खैर में इतना छोटा सा अंतर भी ब्राइटनेस का मायने नहीं रखता, आप दूसरी चीजें देख लो, लेकिन जब मार्क्यू वाले में थोड़ी सी ज्यादा है तो फिर वही हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं दोबारा से एक बार कहना चाहूंगा ज़ेब्रोनिक्स वाला भी अच्छा है, अगर आपको उसका लुक अच्छा लग रहा है वगैरह वगैरह कई और चीजें अच्छी लग रही है तो आप ज़ेब्रोनिक्स वाला ले सकते हो। बस ये है कि थोड़े से प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़ेब्रोनिक्स वाले में ज्यादा है मुकाबले में मार्क्यू के। वैसे वारंटी सब मिल रही है तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, दिक्कत आएगी तो बदल ही कर लो। तो वीडियो यही समाप्त होता है, मैंने आपको 3-4 अपने अच्छे अच्छे मॉनिटर्स थे वो बता दिए। सारे मॉनिटर्स का नाम लेने से फायदा क्या है, फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा मॉनिटर्स जो है लिस्ट में दे दूंगा, जो 40000 में से छट के 10 आए, 10 में से भी कुछ जो बचे हुए हैं उनको मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप चेक कर लेना, वरना जो मैंने प्रेफर किए हैं वो आपको बता दिए हैं कि क्यों प्रेफर किए हैं और कैसे प्रेफर किए हैं। अगर इसके मुकाबले में भी आपको कोई अच्छा मॉनिटर दिखाई देता है, जैसे मैंने आपको एसर का बताया 24 इंच का 8500 के रेट पे, फिर मैंने आपको डेल का मॉनिटर बताया 144 हर्ट्ज का TN पैनल के साथ गेमिंग मॉनिटर 9000 के रेट पे, और फिर एंड में आते आते मैंने आपको जो है मार्क्यू का बताया 27 इंच का, जो मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं तो चाहता हूँ स्क्रीन का साइज बड़ा ही होता चले जाए, और 27 इंच बहुत बड़ा होता है यार, 32 इंच के नीचे आता है 27 इंच का और छोटा नहीं लगता। अगर आपको लगे मेरा ख्वाब है 32 इंच का ही, मुझे 27 इंच मजबूरी में लेना पड़ा, 27 इंच भी बहुत बढ़िया और 10000 के नीचे के बजट में आपको मिल रहा है, सबसे अच्छी बात यह है। 10000 क्यों, 9000 की कीमत बताओ उसकी। लेकिन फिर भी अगर आपकी ख्वाहिश है कि नहीं आईजी मैं जाना चाहता हूँ 32 इंच ही चाहिए और 1080p का मॉनिटर चाहिए, तो आप दूसरा वीडियो देखना, मैं उसमें आपको सिर्फ दो मॉनिटर बताऊंगा, सिर्फ दो मॉनिटर की वीडियो होगी वो आप जरूर देखना, मैं आपको उसमें 32 इंच वाला मॉनिटर बता दूंगा फुल HD वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपको इन बताए हुए मॉनिटर से अच्छा कोई मॉनिटर मिलता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
जाएगा, बाकियों को भी पता चलेगा कि नहीं जो आईजी ने बताया उसके अलावा भी कोई है, आईजी शायद मिस कर गया है, तो वो मॉनिटर मुझे पता लग गए, जिससे कि आप सही तरह से बाय कर पाओ। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। वीडियो चलाओ तो लाइक करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं न्यू मैनेजर, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टाटा।